हाय गाइस, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं सुरेश एडिटिंग ड्रीम चैनल। तो गाइस, आज की एडिटिंग वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं गाइस। तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं गाइस, एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस, सबसे पहले हमें जाना है ऐड फोटो में। तो यहाँ से मैं ऐड फोटो पे चला जाता हूँ और ये जो हमारा मॉडल, सॉरी, हम अपने मॉडल को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस, मैंने मॉडल को ऐड कर लिया है। तो चलिए गाइस, इसे एडजस्ट करते हैं। यहाँ से मैं इस तरीके से कर लेता हूँ गाइस, आप भी कर लेना, ठीक है ना गाइस। ये गाइस हमारा मॉडल एडजस्टमेंट हो गया है गाइस। तो इसमें हम कुछ शैडो लगा देते हैं, इसमें शैडो वाला पीएनजी, इसको मैं लगा लेता हूँ यहाँ से। इस तरीके से। तो यहाँ पे गाइस इरिस का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं इरिस कर लेता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से। यहाँ से राइट एंड गाइस, हमें और पीएनजी लगाना, तो यहाँ से राइट कर लेते हैं गाइस और फिर से ऐड फोटो में जाएंगे गाइस। तो यहाँ से फिर से ऐड फोटो में चला जाता हूँ गाइस मैं। तो गाइस, हमारा पीएनजी ऐड हो चुका है गाइस। तो चलिए इसे एडजस्ट करते हैं गाइस, ध्यान से देखना गाइस, बहुत ही नया वीडियो गाइस आप लोगों के लिए, नया वीडियो, ऐसा एडिटिंग कोई नहीं लाया है आप लोगों के लिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो ला दूं। इस तरीके से आप लोगों को एडजस्ट करना है गाइस यहाँ से। तो गाइस, मैं भी इसे एडजस्ट करता हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हमारा पिक एडिट हो चुका है गाइस। तो बात आगे के एडिटिंग हम लाइटरूम से करेंगे, कुछ कलर करेक्शन करेंगे गाइस। तो यहाँ से मैं राइट कर लेता हूँ गाइस एंड गाइस, इसको मैं ड्रॉ टूल में जाकर सेव कर लेता हूँ। यहाँ से इस ड्रॉ टूल में जाकर इसे सेव कर लेता हूँ गाइस मैं। यहाँ पर गाइस, यहाँ पर दिया हुआ है 3 डॉट, यहाँ से मैं 3 डॉट पर चला जाता हूँ एंड गाइस, यहाँ पर लिखा है सेव इमेज, यहाँ सेव इमेज कर लेता हूँ। तो गाइस, मैंने लाइटरूम में अपने मॉडल को ओपन कर लिया हूँ गाइस एंड लाइटरूम को भी ओपन कर लिया हूँ गाइस। तो चलिए ऑल फोटो पे क्लिक करते हैं एंड गाइस, अपने मॉडल को ओपन कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ से मैं ओपन कर लिया हूँ गाइस। तो देखिए गाइस, यहाँ पे लोड हो रहा है गाइस, इसको लोड होने देते हैं। तो सबसे पहले गाइस, हम जाएंगे इस सनलाइट वाले आइकन में यहाँ पे। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ एंड गाइस, इसमें हाईलाइट्स को माइनस एंड शैडो को बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से हाईलाइट को माइनस कर लेता हूँ अपने हिसाब से गाइस एंड शैडो को एंड वाइट्स को अपने हिसाब से देख लेता हूँ गाइस, ठीक है ना, ब्लैक्स एंड गाइस। यहाँ पे जाएंगे इस कलर वाले टूल में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ। उसके बाद गाइस मिक्स टूल में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ एंड गाइस, इसमें हम लुमिनस को बढ़ा लेंगे एंड सैचुरेशन कर लेंगे माइनस एंड गाइस, यहाँ पे आने हमें दूसरे आइकन में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ गाइस एंड गाइस, इसमें भी सैचुरेशन को कर लेंगे माइनस एंड लुमिनस को बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से मैं बढ़ा लेता हूँ गाइस। उसके बाद गाइस, हमें जाना है इस तीसरे वाले आइकन में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ गाइस, इसमें हम सैचुरेशन को बढ़ा लेंगे। उसके बाद गाइस, इस चौथे वाले आइकन में जो कि ग्रीन कलर वाला है, यहाँ से मैं इसको भी सैचुरेशन को बढ़ा लेता हूँ एंड ह्यू को भी बढ़ा लेता हूँ गाइस। उसके बाद गाइस, इस पाँचवें वाले आइकन में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ एंड गाइस, इसमें भी हमें सैचुरेशन को बढ़ा लें, तो यहाँ से मैं बढ़ा लेता हूँ एंड ह्यू को भी बढ़ा लेता हूँ गाइस।
थोड़ा सा अपने हिसाब से, एंड ल्यूमिनस कर लेंगे माइनस। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ। और गाइस छठे वाले आइकन में आने जो कि ब्लू कलर वाला है, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ। एंड गाइस इसमें मैं सैचुरेशन को बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने बढ़ा लिया गाइस। तो देखिए गाइस पहले कैसा था और अब कैसा है। तो गाइस यहाँ से हमारा एडिटिंग हो चुका है, तो यहाँ से कर लेंगे डन। उसके बाद गाइस जाना है हम इस वाले आइकन में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ। तो गाइस इसमें हम क्लियरिटी को दे देंगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ से मैं इतना रख लेता हूँ अपने हिसाब से। उसके बाद डीएच और विग्नेट को, ठीक है ना गाइस, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ। तो यहाँ से मिड पॉइंट को भी एंड फेदर को भी, तो यहाँ से हो गया गाइस। उसके बाद जाएंगे हम इस ट्राई एंगल वाले आइकन में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ गाइस। तो गाइस इसमें हम शार्पनिंग दे देंगे और मास्किंग को भी और नॉइस रिडक्शन और कंट्रास्ट और कलर नॉइस रिडक्शन को भी, सॉरी कलर नॉइस रिडक्शन लिखा यहाँ पे। तो यहाँ से गाइस हमारा पिक एडिट हो चुका है गाइस। देखिए कितना ऑसम दिख रहा है गाइस ये वाला कॉन्सेप्ट, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है गाइस। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पर।